का एंड हमारा कट चुका है। ना शैम्पू यूज मत करो, इधर रिन साबुन डाल दिया। कॉफी पीने के लिए रुके क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कॉफी जो है काफी बढ़िया मिलता है। Hey guys, good morning. My name is Aditya and welcome back to the vlog. तो ये जो है हमारे ट्रिप का डे टू है और आज हम लोग जाने वाले हैं बोरा केव्स, जिसको इंडिया का डीपेस्ट केव कहा जाता है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड वहाँ जाने के लिए। एंड वहाँ से उसके बाद हम लोग एक वाटरफॉल पे भी जाने वाले हैं, उसके पास में ही है। एंड उसके बाद वहाँ पे एक सनसेट व्यू पॉइंट भी है, वो शायद हम लोग मिस कर सकते हैं, बट देखते हैं। ये जो व्यू है ये आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बालकनी से इतना प्यारा व्यू बहुत कम जगह पर मिलता है। वाओ। ऑलराइट, सो ये जो हरिता हिल रिजॉर्ट में मैं आया था, मैं आप लोगों को कल बता रहा था, इसका रूम टूर भी दे दिया था। एंड वो जगह है वहाँ पे जो आपको चेयर्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे हम लोग का बॉन फायर चल रहा था एंड हम बैम्बू चिकन खाए थे। और एक चीज़, अगर आप लोग लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो आप लोग बोलोगे फिर कि ये बालकनी अलग है एंड वो बालकनी अलग था। तो हम लोग 5 लोग आए हैं एंड हमने 3 रूम लिया है, तो ये दूसरे रूम का बालकनी है, वो दूसरे रूम का बालकनी था जो कि उस तरफ है। और एक चीज़ मैं हरिता हिल रिजॉर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे रह रहे हो तो प्लीज़ खाना इनके रेस्टोरेंट से ही खाना, क्योंकि खाना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। फिलहाल चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट। ऑलराइट, सो थोड़ा प्लान में चेंज हुआ है। हम लोग जाने वाले थे बोरा केव्स, जो कि अब हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए चुके थे, और जब तक हम लोग बोरा केव्स पहुँचते तब तक बोरा केव बंद हो चुका होता। तो उसके बदले हम लोग यहाँ पे आए हैं गलीकुंडा व्यू पॉइंट। एंड व्यू पॉइंट जो है वो एक्चुअली वहाँ पार्किंग नहीं मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। सो बेसिकली ऐसा है कि हम लोग प्लान किए थे बोरा केव्स जाने का एंड हमारा कट चुका है। अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह जाएंगे, अगर हम जल्दी उठ पाए तो। ऑलराइट, तो हम लोग ये व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे मस्त ऐसा एक बनाया हुआ है बैरिकेडिंग, थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड है, एक्चुअल जो क्लिफ है उससे हल्का सा एक्सटेंडेड है, और भीड़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या गए थे, यहाँ से थोड़ा आगे चले गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पे सारे फोटोग्राफ्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो अगर आप लोगों को कोई भी जगह मैं अपने व्लॉग में अगर दिखा रहा हूँ और वहाँ पे कैसे फोटोग्राफ्स आप ले सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ये व्यू पॉइंट पे हम लोग बहुत सारा फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो वो वाटरफॉल पे जाने वाले हैं एंड वहाँ से ही हमें सनसेट का भी व्यू एक अच्छा सा मिल सकता है। सो आई गेस वो हमारा आज का लास्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोकल मसाले वगैरह भी मिलते हैं, और मतलब जैसे बिरयानी मसाला या फिर मतलब बेसिक जो मसाले हम लोग किचन में यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे मिलते हैं। 20-20 रुपए का एक पैकेट ये बोल रहे थे, बट हम लोगों को समझ नहीं आया कि वो सही प्राइस है या नहीं, और आस्क द एक्सपर्ट का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। आस्क द एक्सपर्ट मतलब मम्मी को पूछ नहीं सकता था क्योंकि नेटवर्क नहीं था। तो ठीक है, देखते हैं, अभी हम लोग वाटरफॉल पे चलते हैं। वाटरफॉल के रास्ते में ही हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए रुके क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कॉफ़ी जो है काफ़ी बढ़िया मिलता है। सो देखते हैं कैसा। और एक तो कॉफ़ी जहाँ से हम लोग पी रहे थे तो उनके पास मसाला वगैरह भी कुछ कुछ था, तो हम लोग कुछ कुछ मसाला वगैरह भी खरीद लिए जो कि हम लोगों को ठीक ठाक लग रहा था। कॉफ़ी बीन्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं एंड कॉफ़ी फ़िल्टर कॉफ़ी वगैरह भी मिलता है, तो वो सब भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, बढ़िया है। और फाइनली अब हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, अब उम्मीद कम है कि हम वाटरफॉल की तरफ अच्छे से पहुँच पाएंगे। ऊपर वाली की दया से फाइनली हम लोग वाटरफॉल पहुँच चुके हैं टाइम पर, मतलब सनसेट होने से पहले। वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क किया है, वहाँ से आपको चल चल के आना है इस तरफ, उस तरफ वहाँ पे वाटरफॉल दिखेगा। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल है, बट देखते हैं। अच्छा, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। वाह, व्यू यहाँ से बढ़िया है। ये है वो वाटरफॉल, अभी ये तो बहुत छोटा वाटरफॉल है यार। ये वाटरफॉल
ये वाटरफॉल मेरे को भी नीले लग रहा है, पानी छोड़ा है ऊपर से टैप खोल खुला छोड़ दिया था। वी डिसाइडेड गो डाउन एंड नीचे भी ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि होगा, बस नीचे जाते हैं पानी को पास से देख लेंगे, खुश हो जाएंगे अब इतनी दूर आए हैं तो, है कि नहीं भाई? मेरे को लगता है ना वाटरफॉल में ना जब टूरिज्म वाले बोलते हैं वाटरफॉल वहाँ को पूरा बताना चाहिए डायमेंशन क्या है, कितना हाँ सीरियसली कितना और कितने हाइट से आ रहा है ये सब कुछ थोड़ा नहीं तो क्या होता है ना कि इसमें आकर पता है क्या मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट जो हमें डे वन में मिला। यहाँ पे सीढ़ी में पानी है, सीढ़ी भी बहुत स्टीप है। हाँ पे सही में यहाँ पे फिसल गया तो पूरा रोल होते हुए जाएगा एकदम मस्त। एक चीज तो देख रहे हैं पानी वहाँ से आ रहा है वो साफ दिख रहा है, लेकिन वो नीचे आते ही यहाँ पे कितना गंदा हो जा रहा है ये सब। हाँ यहाँ पे कचरा डाले हुए हैं ना। हाँ ये पूरा यहाँ पे भी गंदा पूरा कचरा, बॉटल वोटल इसको अगर साफ वाफ रखते ना थोड़ा पूरा मस्त दिखता, एकदम क्लीन दिखता, बढ़िया दिखता। था ना शैम्पू यूज मत करो, इधर रिन साबुन डाल दिया। अबे हाँ अबे वहाँ लिखा था शैम्पू यूज मत करो, ये देखो कपड़ा धो ले रहे हैं यहाँ पे, बट ठीक है नीचे से थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ऊपर से उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, नीचे से अच्छा दिख रहा है ये, है ना? हाँ नीचे से कंपैरेटिवली बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है। बारिश में आने का जगह है। हाँ जब बारिश में आएगी पूरा फिल हो जाता है ये पानी से, बारिश में यहाँ लोग नहाते होंगे और शैम्पू छोड़ कर जाते होंगे इधर। अभी खाली एक जन आ रहा है वो भी बहुत मुश्किल से, वो भी पता नहीं लकड़ी, अबे ये लकड़ी लेके क्यों गया पानी में? अबे वो क्या कितना गहरा है देखने के लिए, पत्थर वत्थर है कि नहीं? अबे अंकल वंकल को मत अंदर डालो भैया, टेंशन भाई। A few moments later. All right, so हम लोगों का ये वाटरफॉल से हम लोग घूम चुके हैं एंड वहाँ पे फन फैक्ट ये है कि हम लोग वाटरफॉल में थोड़ा आगे तक चले गए थे मैं और अमित, एंड हम लोगों को एक सांप दिखा वहाँ पे तो हमारी हालत ख़राब होगी, इसलिए हम लोग बहुत भाग भाग के आए। एनीवेज सो ये वाटरफॉल बहुत छोटा सा ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं है खास यहाँ पे, एंड सनसेट हम लोग देखने वाले थे व्यू पॉइंट से, लेकिन अब सनसेट तो हो चुका है तो कोई फ़ायदा नहीं उधर जाने का। सो अब हम लोग घर जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि आज रात को ही हम लोगों को निकलना है, कल सुबह हम लोग एक जगह पे जाने वाले जिसके लिए हमें आज रात को 12 बजे या 1 बजे निकलना होगा ताकि सुबह बढ़िया व्लॉग बन सके। आज के लिए बस इतना ही था, मैं जानता हूँ ये छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग डे आज होने वाला था लेकिन कुछ कुछ प्लान्स हमारे इधर उधर हो गए। और अगर आप इस जगह इस एरिया में आ रहे हो तो गूगल मैप्स पे बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, क्योंकि गूगल मैप्स में दिखाता है एक चीज़ 5 मिनट की दूरी पे हम लोग वो टाइम लेके निकले, लेकिन वहाँ हमारे घर से तकरीबन 2 घंटे दूर था, तो इसलिए गूगल मैप से भरोसा नहीं करने का, लोकल को पूछ लेने का, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही है, कल का वीडियो जरूर देखना क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एडियोस। क्रिंज।